जब शिवा आखिर शराब लाजवाब है, मैजिक मोमेंट है शिवा, थोड़ी जाकर इलियास भाई को दे आओ। कहाँ है इलियास? इलियास भाई वो वहाँ पीछे है, ढोकलगंज वाले शिवाही। वाकई में यार ये शराब अंदर जाती है तो सभी जिगर को चीरते हुए जा रही है, जा रही है सिपाही। कुछ बत्ती खुली? वाकई में कहावत में सच कहा गया है, अगर शराब थोड़ी अंदर जाती है तो दिमाग की बत्ती खुल जाती है सिपाही। एक आइडिया है, जब हम और तुम मुन्ने भाई के कोठे पे जाते हैं, जाते थे, और वहां मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है। लड़की से? हाँ। कौन है? वो है हमारी रामकली। रामकली सिपाही, मैंने एक दिन रामकली से वादा किया था कि एक दिन मैं तुम्हें अपने से हीरागढ़ की महारानी जरूर बनाऊंगा। बनाओगे? और आज वो दिन आ गया, मैं राजा तो नहीं बन सका हूं लेकिन इसके लिए वो तरकीब जरूर कोई निकालेगी। इसे चलो हम चलते हैं आज मुन्नी बाई के कोठे पर, और हमारी रामकली मुझे राजा बनने के लिए कोई ना कोई जतन जरूर बताएगी, क्योंकि उसे महारानी बनना है। आवरी साथ कि किसी ग्राहक के साथ तुम लोग बदतमीजी से पेश आती हो तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है मालकिन, समझ रही हूँ। हाँ मालकिन। लेकिन तनु भाई, क्या बात है? आज मैं 3 दिनों से देख रही हूँ कि रामकली ऐसे ही बैठी रहती है, ना तो ठीक से खाना पानी खाती है और ना ही इसका मन किसी मुजरे पर लगता है, न मालूम इसे क्या हो गया। हाँ मालकिन, ये तो मैं सोचती हूँ, ऐसे तो ये मेरे साथ कोठे में नाचती थी, गाती थी, खुशी से रहती थी, लेकिन 2-4 दिनों से मैं भी देखती हूँ ये बिल्कुल उदास बैठी रहती, न जाने क्या बात थी। यही तो मैं भी सोचती हूँ, न मालूम इसे क्या हो गया है। क्या कुछ तुम बता सकती हो? मालकिन, आप मेरी मालकिन है, आप खुद ही पूछ लीजिए। ठीक है रामकली, इधर आओ बेटी। बेटी मैं तुम्हें 3 दिनों से देख रही हूँ, ना तो तुम ठीक से खाना पानी खाती हो और ना ही तुम्हारा मन किसी मुजरे पर लगता है, आखिर बात क्या है? आजकल मेरी तबीयत नहीं ठीक रहती, ठीक हो जाने दे उसके बाद धंधे पे लग जाऊंगी। ठीक है रामगली, अगर ऐसी बात थी तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था, तुम ही तो एक हो इस कोठे पर जो कि सबसे ज्यादा कमाई करती हो, अगर तुम ऐसे ही बैठी रहोगी तो फिर कमाई नहीं हो पाएगी। कोई बात नहीं, आराम करिए, और तनु भाई तब तक तुम कोई मुजरा पेश करो ताकि ग्राहक भी आए और पैसे भी बने। ठीक है मालकिन। किसे सुलाऊं जीवन दुखरा, जीवन हुआ खराबी शराबी, हमका मिला रे बालिया शराबी, हमका मिला रे बालिया। कोई कहे दिल जान,
जाना। घर के बेचैन लौट थारी बात है। थोड़ी देर के लिए इन लड़कियों को लेकर अंदर जाओ, मैं राम कली से कुछ बातें करूंगा। ठीक है तन्नू भाई, तुम चलो और अपने कमरे पर चल करके आराम करो, जाओ। और जोरा भाई, अरे इधर आओ, देखो तुम भी चलो और अपने कमरे पर चल करके आराम करो। भाई जी क्या बात है, ये ननकैया का भाव है, इसका रेट पूछ रहे हो? हाँ। देखो आजकल हमारी कोठी पर सबसे ज्यादा इसी की मांग हो रही है। काहे? आलू आलू से महंग होएगा? क्यों नहीं, आलू और इसकी बराबरी करते हो? क्या बात करते हैं आप भी, का भाव है यार? आपके लिए आपके लिए 50,000 लगेंगे। 50,000? हाँ। कुछ कम हो नहीं? नहीं भैया बताओ। 50,000 बाबू साहब, 50,000 अगर भर दे तो इसका आज हम आँखी निकाल लें। अरे तो इनका आज अंदाजा लग जात कि पैसा कैसे कमावा जात। भाई जी क्या बात है, 50,000 भरी है लम्बरदार। तो ठीक है, देखो इनको अपने कमरे पर ले जाओ और इनकी खातिरदारी बहुत अच्छे तरीके से करना। अगर खातिरदारी में कोई कमी आई तो जानती हो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलिए तुम्हारा आज हम आँखी निकाल लेब, 50,000 देव तो 50,000 वसूलो का दाम। तुम्हारे जैसे ना इस कोठे, तुम्हारे जैसे ना इस कोठे पे पता नहीं कितने लोग आते रहते हैं। हमारे जैसे आवत है। और क्या, अब हमसे मुलाकात नहीं भाई। सब सब धान 27 शेर न तौलो, आज आए तो तुहिन रही हो या आए तो हम ही रहा। गंगा कसम सुबेरे दुई में एक जने बेहोश हुई हो, तुम भागे रास्ता न पाई हो, तुम का तुमका वही तरह के लौंडा भेसाने हुई है। आज कौनो मर्द से पाला पड़ा वो कहीं ना निहारो कहीं निकालो टील डोल देखो, आज समर सेबुल फेल हो जाए। चलो 50,000 ले मुँह मांगी रकम ले हो तो वसूलो करब, तुमका किरवा फनिगवा चबायू खाब। चलो और रामकली देखिए जौहर साहब आए हैं, आप इनको इनकी तबीयत और इनकी खातिरदारी बहुत अच्छी तरीके से करिए और मैं अपने कमरे पर चल रही हूँ आराम करती हूँ। रामकली क्या बात है, आज तुम इतना उदास होकर बैठी हो? अरे जब भी मैं आता तो तुम हंसकर मुझसे निपट जाती थी, लेकिन आज बात गया है तो इस कदर तो निराश होकर बैठी हुई हो। और मेरी जान मन इस कदर बैठी क्यों दास, मेरी जान मन इस कदर बैठी क्यों दास। कर सीने से लगो
मुझको आती नाराज, कब से बैठी हूँ यहाँ लगा शादी की। तो ये जब तक तो प्यार नहीं हुआ था तब तक तो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि राम कली एक दिन तो मैं अपनी मुल्क की महारानी बनाऊंगी, लेकिन आजकल तो कोठे पे आना जाना भी बंद कर दिए। कौन सी ऐसी बात हो गई राजकुमार साहब? रामकली, तुमने ठीक कहा कि मैंने तुमसे वादा किया था कि एक दिन तुम्हें अपने हीरागढ़ की महारानी जरूर बनाऊंगा, लेकिन रामकली शायद वो सपना अब तुम्हारा कभी पूरा नहीं होगा। क्यों नहीं पूरा होगा? इसलिए कि तुम जानना चाहती हूं तो सुनिए, जैसा कि तुम जानती हो कि मेरी माँ सिंहासन पे थी तो क्या, और हमारी माँ ने ही सेनापति अमर सिंह के कहने से आकर हमारे भाई नाहर सिंह को राजगद्दी पर बिठा दिया। ताज और तख्त का मालिक हमारे भाई नाहर सिंह को और मुझे मंत्री का पद दे दिया। अब क्या करूं, इसलिए मैं हर दौर से टूट चुका हूं, हर खेल खेल कर मैं नाकाम हो गया हूं रामकली, और इसीलिए मैं आज तुम्हारे पास आया हूं कि लगता है कि अब तुम महारानी नहीं बन पाओगी। इसे महारानी बनने का ख्वाब अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए, और हां जिस तरह तुम अपने कोठे पे हो इसी तरह अपने कोठे पे रहो, और मैं तुमसे हमेशा मिलने आया करूंगा, लेकिन अब महारानी बनने का सपना छोड़ दो। राम कली ऐसा कोई सपना नहीं देखी जिसे साकार करके न दिखलाई हो। आप सारे खेल खेल करके नाकाम हो गए तो राम कली का कोठा नजर आया। घबराने कोई बात नहीं, कोई टेंशन में होता है तो ठेका ढूंढता है तो रामपली कोठा ढूंढता है। परेशान मत हो, तरकीब मैं बताऊंगी, करना तुम्हें होगा। क्या करना? अगर मेरे कहने के सारे बिचर होगी तो आप इस मुल्क के महाराज भी बन जाओगे, मैं महारानी भी बन जाऊंगी। बोले करना क्या है? झटके में सारी मुसीबत टले, काम बिगड़े हुए घबराओ नहीं। अगर तुम्हारे रास्ते का रोड़ा बुढ़िया है तो सबसे पहले अपनी माँ का खून कर दो जाकर के, और खून का इल्जाम लगा दो सेनापति अमर सिंह। एक तीर से दो निशाने होंगे, बुढ़िया भी रास्ते से हट जाएगी तो आना सेनापति अमर सिंह भी हट जाएगा। उसके बाद अपनी दुल्हन बनाकर मुझे ले चलना अपने महल। तुम्हारे भाई नाहर सिंह को मैं मिटाऊंगी, सिर्फ राजमहल तक ले चलो, फिर कौन सा खेल खेलती हूँ सवेली के अंदर और किस तरह उसे दूर करवाती हूँ, राजा बनने का सपना तुम्हारा साकार हो जाएगा, नहीं तो कभी कामयाबी नहीं पाओगे। बारी राम कली बहुत खाओ। अरे मैं तुम्हारे पास किस लिए आया हूं और तुम आज कैसी बात कर रही हो? अरे उस मां को मरवाना चाहती हो जिस मां ने मुझे पैदा किया, उसी मां को तुम मरवाना चाहती हो? नहीं राम कली, ये काम मैं हरगिज नहीं करूंगा। क्या तुम हमारे हवेली की महारानी बनो या ना बनो, लेकिन मैं इतनी बड़ी घिनौनी हरकत कभी नहीं कर सकता हूं। और राम कली, आज के बाद तुम्हारे कोठे पे भी नहीं आऊंगा। तुम्हारा कोठा तुम्हें मुबारक हो।
मजा रहा हूँ और आज के बाद कभी इसको थेपे नहीं आऊंगा। रामकली के कोठे जाओगे तो बहुत पछताओगे। अच्छी बात सभी को कड़वी लगती है, जमाने की बलिहारी। यहाँ मेरी बात समझ लो वरना जिंदगी भर पछताते रह जाओगे। देखिए किस माँ की बात करते हो, उसी माँ की बात करते हो जो रियासत के सामने नजरों से गिरा दी, उस माँ की बात करते हो। छोटे भाई का यहाँ का राजा बना दी, उस माँ की बात करते हो। अरे उस माँ की बात करते हो जो दूसरे तुच्छ गुलाम के कहने के सारे पे चलती है, उस माँ की बात करते हो। अरे भूल जाओ माँ की ममता, जो दूसरे की सारी तुम्हारी माँ चलती हो उसको अपनी माँ बोलते हो। बड़ा बेटा यहाँ का एक नौकर के बराबर उसकी औकात है और छोटे बेटे को यहाँ इस मुल्क का राजा बनाया गया। सोच लो समझ लो, ये मतलब की दुनिया है। अगर राजा बनना है तो बुढ़िया को मिटा दो और सेना पद पे इल्जाम लगा दो, वरना राजा नहीं बन पाओगे। तुम इसी तरह रियासत के चक्कर लगाते रहो। राम कभी वाकई में तुम ठीक कहती हो, क्यों वह माँ कैसी है अपने औलाद को नहीं हुई तो औलाद कैसा है अपनी माँ का होगा, जो सारी रियासत के समक्ष नजरों से गिरा दिया है। रामगढ़ी बहुत अच्छी तरकीब तुमने निकाला है कि उस बुढ़िया को अपने रास्ते से मैं हटाऊंगा और अमर सिंह में खून का इल्जाम भी लगाऊंगा, ये मेरा वादा है। और जब तक ये काम नहीं करूंगा तब तक मैं अपनी सूरत तुम्हें नहीं दिखाऊंगा। मैं जा रहा हूं, अवश्य बुढ़िया का काम तमाम है। अब लाइन पे गाड़ी आ गई है, बराबर दिल्ली आराम से पहुंच जाओगे। बहुत जल्द पहुंचोगे। और तुम रामकली के रहते हुए घबराए मत करो, हर काम को आसान कर देगी रामकली। रामकली तुम ही हो जो मेरे हर मर्ज की दवा हो। इसीलिए तो और दिल घबराता है आके भर आती है। क्या हुआ यहाँ राजा बना के जुगाल लगा रहे हो कि लग्गी लगा हुआ? अरे तुम यहाँ कैसे आ गए साले कमीने, जब वहाँ गए थे तो। अरे यार वाह, वो के लाए गए वो साली भाग गए तुरंत, वो काहे लाए गए नहीं खाली, ओके बड़ी बड़ी बात है ये हम लगवाओ यार। अगर इधर नजर उठाया तो साले हम तेरी आंखें निकाल लेंगे। नजरे सिर्फ लगाते रहोगे लेकिन कामयाबी नहीं पाओगे। तुम जानो नहीं, तुम पहले इतने जूते मारोगे चाहिए। मेरी रामकली के बस यही चेतावनी तो हमका चबा। अच्छा मेरी रामकली मैं तुझ पे दिलो जान से मरता हूँ। अच्छा लेकिन ये सच है कि मैं ये घोड़ा से डरता ओ तेरे लिए तो मैं जिंदा हूँ, जान पे तेरी
साले कुत्ते, ये अपने नापाक हाथ मेरे रामगली के चश्मे कैसे लगा दिया? सही आए, हमार नापाक है। अच्छा, तुम छुए रहो एकदम पाक। क्यों भाई, देखो बिरादरी ऐसी है कि पाक हुई है। जरा पीछे हटो रामगली, माम खा रहे हराम को और पौधा उचार। हाँ तो हम पौधा का पूरा बिरवे उखा दो। वैसे हमार गलती नहीं, मान लियो हम आमे के पेड़ के नीचे खाले हैं, ओमा सीकर फरा है, आए के हमारे हाथे में चुईगा तो हम चू सब तो है। तम साले ने छुटे नियत लगाए हो कि मौका मिल जाए तो हम भी। ऐसा करिए, जाइए राम के लिए, मैं आपके आने के इंतजार करूंगी। जाने को दिल नहीं करता है कि तुम्हें छोड़कर मैं चला जाऊं। मेरा भी तो दिल नहीं कर रहा, लेकिन घबराओ नहीं, इतना से काम करके जिस दिन आओगे उस दिन हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ हो जाऊंगी। प्रिय, मैं वादा करता हूं कि तुम्हें अपने हवेली जरूर ले जाऊंगा। और छोड़ के न जा ओ पिया, हम प्यार चाहती थे भारत भाई मेल छुआ, 20 रुपए प्यार मोहब्बत के सीन पे ना। और छोड़ के न जा पिया, मैंने तुझको खत्म हो वाली चीज ना। यार सगरा बाल्टी दुई बाल्टी निकाल लिए तो कम ना पड़ी। ये घर मालिक है, 20 रुपए का इनाम दिए हैं भाई, अगर मौका मिले तो उन्हों का ध्यान दियो। का कौनो हुआ चुकर वाली आए का? क्रेन में उतनी ताकत नहीं है कि ये उठा लेगा डिब्बा। घर मालिक साहब ये उनकी तरफ से 20 रुपए इनाम। बड़े भैया का नाम है? रमेश भाई। ये ट्रेन का डिब्बा प्लास्टिक का नहीं है, समझे? हाँ वो तो हम समझी। उनसे ना उठी, तुम जाओ उनसे तो ना उठी, उठावे लायक है नहीं। ये बताओ, बोलो, देखो तुम्हें रंडी मुंडी एक के चक्कर में परबो न करो। तुम नंबर लगाए रहो, उनका आवे उनका चूसो, उनका आवे उनका चूसो। हाँ वो तो हम जानी थे भाई। ये चीज नहीं, तुम्हारी तरह वाले पंचर कही थी तो, एक चीज यही जान लो हो, जो खेती आए जहाँ जितना जोतो वो गल्ला पही हो ना के। अच्छा सवेरे मुलाकात हो कोई, तुम जाओ तो। हाँ। देखो तुम रंडी मुंडे उनके चक्का में न पड़ो, हमारे जुगाल लगाओ, पैसा लियो। कितना पैसा? फिलहाल 50 रुपया है। 50? हाँ। राम को और सब्जी लेने आए क्या यहाँ पर? काहे काहे गरीबन के ध्यान ही न दिया है, मान लियो हमें सबके लाए पैसा नहीं तो हम सब भूखन मरी। पक्का नहीं ध्यान दियो तो
पैसा हमेशा ना काम आई, कबो हमहू काम आ जाओ। देखो सिपाही, हर जगह तलवारें ना चली, कहूँ सुई लागी, ध्यान दे रही हूँ। सिपाही हाँ, मेरी बात समझो। हाँ, मैं तुम्हारे दिल के भावनाओं को समझ गई हूँ। समझ जाओ कि हम अंदर अंदर कितना परेशान। मैं समझ गई हूँ कि तुम्हारे दिल के अंदर अरमान क्या है। अरमान की एकदम आग जल रही है, इसलिए तुम हाँ। मेरे कहने के सारे पे काम करो। हाँ, मेरे कहने के सारे पे काम करते रहो, जौहर सिंह को दिमाग देते रहो। हाँ, उसके बाद हाँ, जिस दिन इस मुल्क की महारानी में बन जाऊंगी हाँ, उस दिन तुम्हारे अरमान पूरे कर दूंगी। पक्का? पक्का। अगर तुम कहियो खेतहरी में बैठ रहो तो हम खेतहरी में बैठ रहे, अगर तुम कहियो बोदम बैठ रहो बोदम बैठ रहे, लेकिन ध्यान दे रही हूँ। ठीक है, हो सके तो कबो हमारे लायक पैसा आ जाए तो तुमका पैसा से मून दे, समय आवे जो कबो। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, चलती हूँ और आने का इंतजार करूंगी। अरे दूरी मत जाइ हाँ, दूरी मत जाइ हाँ, दूरी मत जाइ हाँ, दूरी मत जाइ हाँ, तोहरे खात दे भैया अपन जान गो नजरिया से दूर।